ALS, amyotrophic lateral sclerosis, नसों की एक गंभीर बीमारी है जो मरीजों को लाचार बना देती है और घातक भी साबित होती है। ऐसे में कितनी उपयोगी साबित होती है ये जानने की जरूरत है। ALS या amyotrophic lateral sclerosis एक मोटर न्यूरॉन डिजीज नामक बीमारी है और यह एक ऐसी बीमारी है जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जहां मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में नर्व सेल्स का ब्रेकडाउन होता है या डीजेनरेशन होता है। इससे जो भी मांसपेशियां हमारे कंट्रोल में रहती हैं, जिनको हम अपने हिसाब से चला फिरा सकते हैं, वो कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो अपनी ओरिजिन पर डीजेनरेट करते हैं या उनका क्षय होना शुरू हो जाता है। नतीजा ये होता है कि बोलने, चबाने, निगलने और कभी कभी सांस लेने जैसे कार्यों पर असर पड़ जाता है। यह बीमारी समय के साथ बढ़ती जाती है और फिलहाल इसको डेडली डिसऑर्डर या घातक बीमारी माना जाता है। इसके निश्चित कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन 15-20% मामलों में यह जीन्स में म्यूटेशंस के कारण होता है, जिनको जीन जनित रोग बोलते हैं। और कुछ रोगियों में ALS और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाता है और इसे फैमिलियल ALS कहते हैं। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कारण पर्यावरण में दूषण या पर्यावरण प्रदूषण और खतरनाक रसायनों के संपर्क में आना और न्यूक्लियर रेडिएशन जैसा है। ALS आमतौर पर हाथों में कमजोरी, चलने में दिक्कत या बोलने में कठिनाई से शुरू होता है। ये अंगों या शरीर के किसी भी हिस्से में बार बार होने वाली ऐंठन से भी शुरुआत हो सकती है। ये धीरे धीरे बढ़ता है और अंततः व्यक्ति को अपंग बना देता है। इवन आदमी पीने या निगलने का भी छोटा सा काम नहीं कर पाता है और उसकी क्षमता पर भी इसका असर आ जाता है और उससे डिहाइड्रेशन और कुपोषण जैसी समस्या हो जाती है। ALS सांस लेने की क्षमता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है और कभी कभी डॉक्टर्स को मरीजों को जीवित रखने के लिए ट्रैकियोस्टोमी भी करनी पड़ती है और बाईपैप जैसी मशीनों का उपयोग करना पड़ता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में रिलिजॉल टैबलेट और एडेरावॉन ही उपलब्ध है, लेकिन उनका प्रभाव कुछ हद तक ही सीमित है। इस प्रकार के मामलों में अधिक कारगर पाया गया है और इसमें 2/3 से अधिक रोगियों को उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और दीर्घायु करने में मदद मिलती है। हम लोगों ने अपनी स्टडी में यह पाया कि जिन मरीजों को सिर्फ रिलुजॉल और एडेरावॉन दिया गया, उनसे कहीं अच्छा ज्यादा रिजल्ट जब रीजेनरेटिव मेडिसिन उनके साथ किया गया तो उसमें पाया गया है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि ALS के मरीज में मॉर्टेलिटी 3 साल पे काफी ज्यादा है अगर सिर्फ एडेरावॉन और रिलुजॉल ही दिया जाए। टिश्यू रिपेयरिंग फूड सप्लीमेंट्स हैं, उनको दे देते हैं तो पेशेंट का सर्वाइवल लगभग 2 गुना हो जाता है। ये सब चीजें बताती हैं कि खाली सिलेक्टेड मेडिसिन ही नहीं, पेशेंट को मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको टिश्यू रिपेयरिंग के लिए ग्रोथ फैक्टर्स की भी जरूरत है और साथ में कुछ टिश्यू रिपेयर करने वाले फूड सप्लीमेंट्स की भी जरूरत है।